मध्य प्रदेश में बारिश का ब्रेक एक बार फिर खत्म। प्रदेश में फिर से बादलों ने डाला डेरा। भोपाल समेत 32 जिलों में भारी बारिश की संभावना। अब तक सामान्य से 5 इंच यानी 19% ज्यादा हुई बारिश। देश भर में मनाया जा रहा श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनी आश्रम में भी मनाया गया उत्सव। बाबा महाकालेश्वर ने दिए श्री कृष्ण रूप में दर्शन। मंदिरों में पूजा पाठ का सिलसिला शुरू। माखन मिश्री का बांटा जा रहा प्रसाद। प्रदेश में जल्द लागू हो सकता है फायर एक्ट। प्रॉपर्टी टैक्स के साथ अब फायर टैक्स भी देना होगा। मध्य प्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम 2022 तैयार। जल्द कैबिनेट में आएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 अगस्त को आएंगे भोपाल। 5 कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। 40 IPS अफसर और 3,000 जवान की तैनाती। सुरक्षा व्यवस्था की गई समीक्षा बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी की राजनीति का नया सिलेबस। भाजपाइयों के लिए दूसरा पाठ। बागियों और निर्दलियों के लिए अलग से होगी ट्रेनिंग। बूथ मजबूत करने के लिए पार्टी में ट्रेनिंग के 3 मॉड्यूल किए गए तैयार। 24 और 25 अगस्त को 2 दिन पचमढ़ी में दी जाएगी ट्रेनिंग। ब्राह्मणों पर दिए विवादित बयान को लेकर चर्चाओं में आए बीजेपी नेता प्रीतम लोधी ने मांगी माफी। पार्टी की नाराजगी और FIR दर्ज होने के बाद आए बैकफुट पर ब्राह्मण समाज से लिखित में मांगी माफी। कहा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर किया गया पेश। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने की बिहार सरकार पर टिप्पणी। कहा, बिहार की सरकार ऐसे बदलती है जैसे विदेश में लड़कियां कभी भी बॉयफ्रेंड बदल लेती है। विपक्ष ने साधा निशाना। पूर्व कानून मंत्री PC शर्मा ने किया पलटवार। कहा, विजयवर्गीय का बयान महिलाओं का अपमान। महिलाओं से माफी मांगे। मध्य प्रदेश की पुलिस अब अपराधियों को पकड़ने के लिए बाबाओं की ले रही शरण। पंडोकर सरकार की शरण में पहुंचे ASI। वीडियो सामने आने के बाद अधिकारियों ने की कार्रवाई। थाना इंचार्ज लाइन अटैच ASI को किया सस्पेंड। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर सेंट्रल जेल ग्वालियर में सांस्कृतिक कार्यक्रम में लिया भाग। कैदियों की माफ की 1 महीने की सजा। हर साल जेल में ही मनाते हैं श्री कृष्ण जन्मोत्सव।